मान लीजिए कि यह एक नदी है और नदी के इस पार एक नाव तथा नाव को चलाने वाला है एवं उसके साथ है एक शेर, एक बकरी तथा थोड़ी सी घास, थोड़ी मतलब थोड़ी ज्यादा घास। अब सवाल यह है कि इन तीनों को एक एक करके नदी के उस पार तक छोड़ना है, क्या आप इन्हें छोड़ सकते हो? छोड़ने से पहले कुछ शर्तें कंडीशंस के बारे में जान लें। यदि आप इसे इतना सरल समझ रहे हैं तो पहले इसके कंडीशन के बारे में आप जरूर जान लीजिए। कंडीशंस ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि शेर बकरी को खाता है, बकरी घास खाती है, तो कंडीशंस ये है कि आप कोई भी दो जैसे शेर और बकरी को खुला नहीं छोड़ सकते, या बकरी या घास इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि बकरी घास खा जाएगी और शेर बकरी को खा जाएगा। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को एक एक करके नदी के उस पार तक छोड़ना है। मान लीजिए कि आप नाव में हैं और आपको इन तीनों को एक एक करके नदी के उस पार छोड़ना है, क्या आप इन्हें छोड़ सकते हैं? आराम से जवाब दीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जवाब हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, इसके अंदर आप इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश कीजिए। चलिए इन्हें उस पार छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बकरी को लेंगे। हमने बकरी को उठाया, नाव में बिठाया तथा नाव से उस पार बकरी को छोड़ दिया। अब इस पार शेर और घास बचे हैं, क्योंकि शेर घास को खाता नहीं है इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। बकरी को वहां पर छोड़ा और नाव को वापस इस किनारे ले आए, और यहां से हमने फिर शेर को उठाया एवं शेर को उस पार ले गए एवं उस किनारे छोड़ दिया। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि नाव चलाने वाला वही है तो शेर बकरी को अभी नहीं खाएगा। क्योंकि हम बकरी को वहां पर अकेला छोड़ नहीं सकते इसलिए हम बकरी को वापस नाव में बिठाकर इस किनारे ले आएंगे। तो हमने बकरी को वापस नाव में बिठाया और नाव को वापस इस किनारे ले आएंगे और बकरी को वापस इस किनारे छोड़ देंगे। और यहां से हम घास को अपनी नाव में रख लेंगे और घास को उस किनारे ले जाएंगे और उस किनारे जाकर छोड़ देंगे। फिर पुनः अपने नाव को इस किनारे लाएंगे एवं अब इस बार बकरी को हम नाव में बिठा लेंगे। नाव को वापस पुनः उधर ले जाएंगे और बकरी को भी वहां छोड़ देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कितना सरल था ये सवाल। यदि हमारी ये पहेली आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।